सेवंथ पे कमीशन में उसको 2.57 गुना बढ़ाया जाए। भारत सरकार ये कर सकती थी क्योंकि सेवंथ पे कमीशन ने कहा था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा सिक्स्थ पे कमीशन को आधार मान करके अगर खोज के लोगों को देंगे, निवृत्त लोगों को पेंशन देंगे, तो उनको बहुत कम फायदा होगा। हमने कहा कि निर्णय हमने किया कि ओआरओपी मिलने के बाद जो उनका वेतन का बेज बना है उसी के आधार पर सेवंथ पे कमीशन गिना जाएगा। उनको भले डबल फायदा हो जाए, लेकिन मेरे देश के जवानों के लिए ये करना जरूरी है, हमने किया। हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी देश के पूर्व सैनिकों को दी थी। आप देख रहे हैं मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। सरकार चाहती है कि हम पूरे देश की जनता को परेशान ना करें, रेल रोको आंदोलन हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। जब ये तो चल जाए हाथ खड़े कर दें, वो तो हम करने नहीं है। वो तो 20 फरवरी से हमने कसम खाया था, जहाँ तो जहाँ से मोर्चा जीत के जाएंगे, जहाँ हमारी जहाँ से डेड बॉडी जाएगी। प्रोग्राम 1 जनवरी का हमारा बिल्कुल स्टैंड है और उसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं बड़े जोरों शोरों से। बहुत सहयोग मिल रहा है हमारे को पूरे स्टेटों से, स्पेशली पंजाब से बहुत ज़्यादा हंगारा मिल रहा कि रेरो को आंदोलन करेंगे, क्योंकि संवैधानिक तरीके से आज तक हमने सब हथकंडे अपना के देख लिए हैं। जो भी डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी हमारे को करना चाहिए था हमने किया। मेम्बरों दिए हैं DC को, राज्यसभा मेंबरों को, अपना लोकसभा मेंबर और भी कई तरह के उपराले किए, संसद भवन मार्च किया, कई रैलियां हुई ने यहाँ जंतर मंत्र पे भी, और भी हमारे जो JCO जवान संस्थावान ने उन्होंने भी अपने अपने तरीके नाल अपने अपने एक्शन किए, रैलियां कीतियां ताकि सरकार तक आवाज़ जाए, लेकिन आज तक सरकार के कन्नों के उत्ते जून तक नहीं रही। इसलिए हमारे को मजबूर हो के 25 नवंबर का रेल रोको आंदोलन करना पड़ा। अभी उसके बावजूद भी सरकार ने हमारे साथ कोई भी बातचीत का न्योता नहीं भेजा है, जबकि 25 नवंबर को हम जो शंभू बॉर्डर पर रेल रोको आंदोलन किया था उसमें हमारे पंजाब के गवर्नर साहब से मीटिंग करवाया गया प्रशासन द्वारा, और उन्होंने हमारे को आश्वासन दवाया था कि हम 4 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, PM साहब से बात करेंगे, आपको दोबारा फॉलोअप मीटिंग के लिए बुलाएंगे। और उसके बाद हमारे को फॉलोअप मीटिंग के लिए अभी तक नहीं बुलाया गया, जबकि हमने कई दफ़ा मेल किया है, ऑफिशियल मेल किया है, मैंने खुद किया है और पर्सनली बात भी किया ADC साहब से कि हमारे को जल्दी तो जल्दी फॉलोअप मीटिंग, ताकि हमारे को पता चल सके क्या बातचीत हुई है, पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई, ताकि हमारे को मजबूर ना होना पड़े 1 तारीख का जो ऑलरेडी हमने प्रोग्राम दिया हुआ है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमारे को ऐसी गलबात का न्योता नहीं आया। अभी हम इस चीज़ के मजबूर हैं कि हम जो है पूरे भारत में 11 जगह ट्रेन रोकेंगे। तो आप जब कह रहे हैं कि अभी तक सरकार का कुछ भी आश्वासन दिया नहीं गया है, तो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि 1 जनवरी को काला दिवस मनाने के बाद कुछ होगा? देखिए वो तो फिर हमारा जो अभी क्या करें, अभी हम यहाँ तो धरना छोड़ के चल जाए हाथ खड़े कर दें, वो तो हम करने नहीं है। वो तो 20 फरवरी से हमने कसम खाया था, जहाँ तो जहाँ से मोर्चा जीत के जाएंगे, जहाँ हमारी जहाँ से डेड बॉडी जाएगी, वो फिर अगले प्रोग्राम फिर देखा जाएगा, इसके बाद भी नहीं मानेगी तो क्या? फिर तो लास्ट ऑप्शन यही है ना कि हम जाके राष्ट्रपति भवन के आगे खुद कसी कर लेंगे, जब हमारे पास वॉलंटियर के नाम आ रहे हैं। सर, आप लोगों ने जो है द्वारिका पहले हमारे को कोई न्योता नहीं था, और एक हिमाचल के हैं कैप्टन जगदीश सिंह वर्मा जी, जो हिमाचल यूनाइटेड फ्रंट के प्रेजिडेंट हैं, उन्होंने उपराला किया, उन्होंने हमारे को बुलाया। वहाँ पर और भी संगठन थे, जथेबंदियाँ थी, कोई 15-20 जथेबंदियाँ जो आई थी, कुछ पंजाब के जथेबंदियाँ भी हमारे साथ आई थी, जो हमारे साथ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ शुरू से जो है काम कर रही हैं, सपोर्ट में हैं। तो वहाँ पर मीटिंग हुआ, मीटिंग में मतलब यही डिस्कशन हुआ है कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हुए और इकट्ठे तौर पे हमने जो है अगला संघर्ष जो भी रूपरेखा उलीकनी है वो लिखी। हमने भी उसके साथ सहमति जताई, लेकिन हमने ये 9 अप्रैल का भी हमने उसमें जिक्र किया कि 9 अप्रैल को भी हमने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने एक मंच पे पूरे देश के सबका सैनिकों को इकट्ठा करने का उपराला किया था और हुआ भी और फेडरेशन बनी भी, लेकिन फेडरेशन का प्रधान ही हमारे को धोखा दे गया, तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते।
और कौन बंदा अपनी जमीन बेच सकता है, कौन क्या कर सकता है, उसमें तो किसी के अंदर बढ़ के भी हम दे सकते हैं। वही लोग बैठे थे जो आप लोगों को पहले धोखा देके गए, ऐसा आपको कहना? नहीं नहीं, वो खाली फेडरेशन के नहीं थे, और भी संस्थावां देश में थी, दिल्ली एक्सरसमैन एसोसिएशन और वेटरन एसोसिएशन थी, हमारे वेलफेयर सोसाइटी मोहाली वाले हैं, ये क्रांतिकारी यूनियन वाले थे, और भी काफ़ी यूनियन जो अपना इवन लीग के भी कई नुमाइंदे आए थे वहाँ पर। यही हमने अपना यही पक्ष रखा कि जो भी जितनिया भी पूरे देश दिया जथेबंदियां ने, पाए किसी भी तरह से गश्त कर रही ने, जो हमारे साथ विसंगतियां आई ORP में जा MSP बजा होर भी कई जेडे साडे इशू ने, उन्होंने वास्ते जो भी जेसीओ जवान संस्था संघर्ष कर रही ने, वो 20 फरवरी का ही नाम ले रही ने। अगर 20 फरवरी का धरना जो संघर्ष कमेटी ने शुरू किया पूरे देश दिया जथेबंदियां दे सहयोग के कारण, तो अगर 20 फरवरी का आप नाम ले रहे हो तो 20 फरवरी के धरने की सपोर्ट भी करो। और हमने अपना पक्ष रखा और उसके बाद तरह तरह के एक्शन किए हैं, पूरे देश ने हमारा साथ दिया। अभी आप जो जितनी जथेबंदियाँ जहाँ मीटिंग में आई हैं उनकी भी हम सपोर्ट मांगते हैं, और पहली तारीख के बारे भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारा सपोर्ट करो कि पहली तारीख को ये जो इकट्ठे तौर पर हम जो है रेल रोकें, ताकि और वो जो हमारा एजिटेशन है प्रभावशाली बन सके। जो आपके बीच में सारे संगठन जो है मौजूद थे, सारे जितने भी संगठन हैं, तो वहाँ पर क्या डिसीजन लिया गया पहली तारीख? देखिए वहाँ पर कुछ संगठन खासकर मेन जेड़े पूरे देश दे विच मेन जो जेसीओ जवानों को लिए एक्चुअली लड़ाई लड़े हैं, वो पूरे देश के दो ही संगठन हैं। FVA का नाम नहीं ले, क्योंकि FVA को हम ऑलरेडी जेड़े हमारा 26 मैंबरी जेड़े संस्थापक मैंबर ने 16 मैंबर ने मता पास करके FVA को, जो FVA का प्रधान हमारे को धोखा दे गया, उल्टा पैसा भी लेके चल गया, वो हमने उसको मता पास करके कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था, ये FVA का प्रधान नहीं। और बाद में उन्होंने फेक FVA बनाई, जो हर एक बंदे को अपना अपना हक है जो मर्जी करे, लेकिन पूरे देश में दो ही जथेबंदियाँ ने, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और वॉइस ऑफ एक्सरसमैन। जब तक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तो हम गए थे, लेकिन वॉइस वाले नहीं आए थे। जगदीश कैप्टन जगदीश साहब कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, अभी फिर दोबारा एक मीटिंग होनी है, जूम मीटिंग भी हो सकती है या फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है। वो ज़्यादातर जथेबंदियाँ ने हमारे को 1 जनवरी के जो प्रोग्राम में सहयोग देने के लिए हाँ भरी है। हाँ बिल्कुल, वो प्रोग्राम हमारा स्टैंड है। अगर अभी फिर हमारा एक दो दिन में जूम मीटिंग होएगी, जो जथेबंदियाँ नहीं आई हैं, जैसे वॉइस वाले नहीं आए, उनको भी उनसे भी बातचीत चल रही है। हमारे मीडिएटर जेड़े जैसे कैप्टन जगदीश वर्मा जी बात कर रहे हैं, हम खुद भी बात करेंगे, और जल्दी से एक दो दिन के आप उन्होंने भी कहेंगे भी आओ इकट्ठे होकर आप संघर्ष लड़िए। और असी भी चाहते हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लिए तो संघर्ष नहीं करना चाहती, हमने पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि कोई भी संस्था आए आगे लगे हम मगर पीछे लगते हैं।